हाय गाइस, कैसे हो सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसा हेयर टोनर बना के दिखाऊंगी जिससे आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, जो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आपके बाल फ्रीजी है, जड़ते हैं, वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। गाइस, बहुत ही अच्छा ये टोनर है जो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। गाइस, आपके बालों में बहुत ही प्यारी शाइनिंग आएगी, आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। सच्ची में बताऊँ, बहुत एक नेचुरल रेमेडी है जो आप घर पर ही बना के अपने बालों पर बेस्ट बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो। इससे गाइस, साथ में ये जो प्याज के जो रस होता है ना, ये बालों के और स्कैल्प को न्यूट्रिशन करता है, उनको मजबूत बनाने में हेल्प करता है। जो भी इसकी प्रॉब्लम आती है स्कैल्प में, उसको ख़त्म करता है और प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। गाइस, तो बहुत ही अच्छा ये टोनर है जो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। इसको हफ्ते में आपने 2 बार लगाना है। तो आपको बताती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा आपको, आपके बाल फ्रीजी से एकदम ठीक हो जाएंगे, सुंदर लगने लगेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम लेना एक पैन, और पैन में हमने लेना है 1 कप पानी। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप 1 से 2 ले सकते हैं। तो जितने आपके बाल हैं, इसकी जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी, उससे आप डबल क्वांटिटी ले सकते हो। तो 1 कप मैंने पानी ले लिया, और उसके साथ ही मैं ले रही हूँ प्याज के छिलके। ये कम से कम ये 4 या 5 के हाथ ज़्यादा ही होंगे, तो ये प्याज के छिलके हैं। और साथ में ये ले रही हूँ करी लीफ का 1 पत्ता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये बालों के लिए। ये बालों को एकदम ही, जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, जो स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है, सारी ख़त्म कर देता है। तब इन दोनों चीज़ों को मैं पानी में डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और इसको कम से कम 15-20 मिनट हमने पानी में इसके उबालना है, अच्छी तरह से उबालना है, ताकि इसमें जितने भी बेनिफिट है, जो प्याज में, जो छिलकों में जो बेनिफिट है, जो ये करी लीव्स में जो बेनिफिट है, सारा पानी में चला जाए। तो इसको हमने एज ए टोनर की तरह हमने बालों में यूज़ करना है। तो देखो, आपने गैस आपने तेज़ ही रखनी है, तो अच्छी तरह से आपने इसको उबाल देना है। और कलर देखो कितना प्यारा कलर आ गया, डार्क मैरून कलर आ गया, इसकी ब्राउन कलर ही हो गया ज़्यादा। तो अभी इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स मिलाई जाना। जब ये डार्क ब्राउन हो जाएगा ना, तब आपने गैस कर देनी है बंद। तो इसको आपने ठंडा करने के रखने के लिए छोड़ देना है। ठंडा करके फिर आपने इसको छान देना है। गाइस, आप ये टोनर बहुत ही अच्छा ये टोनर है। गाइस, इस प्याज के छिलकों में सल्फर होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बालों को बहुत ही प्यारा रिजल्ट देता है। गाइस, तो देखो अभी ये अच्छी तरह से हो गए, तो मैं गैस बंद कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको छान लेना है ऐसी छन्नी की हेल्प से, ठीक है जी। छान के फिर हमने एक एज ए टोनर की तरह हमने एक यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई बोतल है, कोई स्प्रे बोतल है, कोई भी आपके पास कोई कंटेनर है, तो आप उसमें आपने इसको ऐड कर लेना है। अगर नहीं है तो आप सिंपली, अब जैसे हम तेल लगाते हैं बालों में, आप वैसे भी तेल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास एक स्प्रे बोतल है, तो मैं उसमें ही ऐड करूँगी। बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि स्प्रे करते जाओ और फिर स्कैल्प में अपने बालों में लगाते जाओ। तो देखो, मैं अभी ये इस बोतल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ये टोनर। तो कल ये मेरा कम से कम हफ्ते के लिए बन गया। मीन्स की 2 टाइम हमने यूज़ करना है। आपने इसको फ्रिज में रख देना है, बाहर नहीं रखना, क्योंकि ये बाहर रखोगे तो आप ख़राब हो सकता है। तो एक बार यूज़ करके फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है, ठीक है जी। फ्रिज में जब आपने यूज़ करना है, इसको बाहर निकाल लेना है। तो बालों को लगाने से पहले पहले आपने, जब आपने हेयर वॉश करना है, उसके पहले आपने अपने बालों पर लगा लेना है। 1.5 घंटा रहने देना है आपने, 1 घंटा ही आप रहने दीजिए। उसके ऊपर अपने बाल वॉश करने, जो भी शैम्पू भी यूज़ करते हो। तो सबसे पहले गाइस, जो आपने बालों पर अपने करना है, पहले कंघी करनी है, कॉम करनी है आपने। देखो मेरे बालों में कितनी अच्छी लेंथ, बहुत बड़ी लेंथ बहुत हो गई है, ग्रोथ बहुत हो गई बालों में। मुझे तो बहुत ही पसंद आता है जो नेचुरल होम रेमेडी होती है गाइस, मैं तो यही यूज़ करती हूँ। आप भी ये यूज़ कीजिए, अपने बालों में ग्रोथ भी आपके हो जाएगी, जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। उसके बहुत आसानी से ये अप्लाई हो जाएगा आपके बालों में। तो आपने ऐसे ही पार्टिस करते जाना है और अपने स्प्रे करते जाना है। तो इससे आपके बाल में बहुत अच्छी तरह से, ये सारे बालों में अच्छी तरह से लग जाएगा, और आपके बाल देखना कितने प्यारे लगने लगेंगे, कितने सॉफ्ट हो जाएंगे, कितने शाइन करेंगे। और जो प्रॉब्लम आई है आपके बालों में, आपके अगर आप फ्रिजी बाल हैं, तो आपके जैसे झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं वैसे वो, अगर आप ये टोनर यूज़ करोगे, पहले बहुत अच्छी मैंने वीडियो डाली हुई है आप बालों के अकॉर्डिंग, अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम की, तो आप उसे यूज़ करिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप टोनर यूज़ कीजिए, इससे आपसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा गाइस, क्योंकि इसमें प्याज के छिलके डाले हुए हैं, और आपके प्याज पता है प्याज के छिलकों में सल्फर होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे बालों को न्यूट्रिशंस करता है, हमारे बालों को सॉफ्ट करता है, शाइन देता है हमारे बालों को। तो जो हमने कड़ी लीव्स के पत्ते डाले हैं, वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ कीजिए और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पाए गाइस। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि ये टोनर आपने यूज़ किया है तो इसका क्या रिजल्ट मिला है। आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। तो देखो, मैंने लेंथ पर भी ये लगा लिया, पहले मैंने पूरे स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगाया, उसके बाद मैंने लेंथ पर लगाया। इतना मज़ा आ रहा था स्प्रे करने में, मैं तो करी जा रही थी, मैंने से कम से कम मैंने आधी बोतल कर दी मैंने।
तो सारी जगह अब मैंने अच्छी तरह से एकदम लगा के फिर मैंने एक मीन्स के एक रबड़ से अपने बालों को बांध दिया और कम से कम मैंने 1 या 1.5 घंटा मैंने रखा। तो एक या तो गाइस ये नेचुरल रेमेडी होती है, अगर आप कहोगे कि उसी समय आपको रिजल्ट मिले तो इतना अच्छी नहीं, इतना जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा गाइस। अगर आप इसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप फॉलो करोगे, जैसे हफ्ते में 2 बार लगाओगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी आपके बेस्ट रिजल्ट आपके बालों को मिलेगा, आपके बाल तभी ग्रोथ आपकी आएंगी, जो बाल में शाइन आएंगे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखो मैंने अभी यूज़ किया है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये टोनर। तो मैंने तो एक आधे बोतल मेरी रह गई थी, मैंने फ्रिज में स्टोर कर ली, उसको मैंने जब मैं अपने हेयर वॉश करूँगी तब मैं यूज़ करूँगी। तो आपने भी ये टोनर ऐसे यूज़ करना है, अगर आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आपके बाल फ्रिजी है, तो आप इसे टोनर को यूज़ कीजिए, आपके बालों को अच्छे से अच्छा सुंदर बना दीजिए। तो गाइस ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेती आऊँगी। आप मेरे वीडियो आप मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना जरूर, और आपके कमेंट को मुझे जरूर करना, आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।